और चीज है, कपड़े की है।
श्रीमान जी, आप लोगों के मनोरंजन के लिए हमारे कमेडियन साहब आने की जोकर कुछ देरों के लिए आ रहे हैं। इसके बाद हमारी कंपनी का ड्रामा देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, फुलवा विपत अमरजीत का जलम ही। ये हमारी कंपनी का ड्रामा देखें और कृपया शांति बनाए रखें। दौर लागे हुजूर, दर्पण जी खुश रहो। बोलो, जब मैं दरबार में आता हूं तो तुम्हें दरबार में देखता नहीं हूं, ना जाने तुम रहते कहां हो। कभी भट्टा पर चल गई, थोड़ा सा स्थिर से तुम बोलोगे तो मैं समझ पाऊंगा। पूरा समझ में ही बता है ना। और लेकिन तुम शराब खाते हो, दारू पीते हो ना। हमरा पट्टी डाउन भेल है, ना पिया छिया कंठी मा ले। तुम नहीं खाते हो ना,
दारू नहीं खाते हो नहीं पीते हो। आए हाय झूठ बोलने में फटता जिगर ही नहीं क्या विश्वास लाऊ। ना तो हम झूठ बोलते हैं, ना तो शराब खाते हैं, ना दारू पीते हैं। तारी हम छोड़ दिए। अच्छा ठीक है मालिक, केना दुल भेल जाय रहे न हो। ठीक तुम दारू शराब नहीं खाते हो, बहुत अच्छी बात है। दरबार जी, मैं जब दरबार में आता हूँ तुम्हें नहीं देखता हूँ तो मैं यहाँ बेचैन क्यों हो जाता हूँ? ई बताओ द्वार पर अपने इतना देर से की करत रहिए आके से बता। ओहो तुम नहीं समझते हो, यहाँ द्वार पर इधर आओ। हाँ बोलू ना, इतना देर से मैं क्या कर रहे थे? मैं माँ सरस्वती के नाम ले रहा था और कंपनी विवेकी सहनी और रेशलाल यादव का मैंने नाम ले रहा था। कहे के मतलब राम विवेकी सहनी दुलौर वाला आ धनुतिया पर वाला रेशलाल यादव पर पराई थे। हाँ हाँ हुनकर रेशलाल यादव हुनकर नाम लेते रहे और दुलौर विवेकी सहनी का ये नाम हो रहा था और मैं सरस्वती के नाम ना हूं। हम हुनकर नाम लिए से बता। तुम नाम ले सकते हो? हाँ तब सुनो, बुरा लफ्ज तो नहीं बोलोगे? एकदम गलती नहीं हम बोलते। ठीक जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे। ले सकते हो माँ सरस्वती का नाम ले सकते हो? सदा भलारी दाहिने किसनमुख हो त गणेश अपच कुटुम मिली नास्ता करे पान बीड़ी सिकरे। तैयारी मधुरी बिराना बन हमें कतरा है मैया आरी में झूरी भी आ जाए बंधा में खतरा है भैया अभी हर सैल में रेहू भी राजा घाट में तो पूरा भैया। लबनी बिरा जाए नीचा में बिनो दबा है भैया अचुका परछा ना बिरा जाए तो बैठल हम भैया सर भैया। तो माथा में ढीलो बिरा जाए कपड़ा
द्वारपाल द्वारपाल जी तुम्हें समाप्त हो गया, स्टॉप कीजिए थोड़ा देर। अरे क्यों क्यों स्टॉप? खुश रहो द्वारपाल, ए बदला ये राज दरबार छोड़ के तू कहां चला जाता है? मालूम ना है दरोगा बाबू अल्लाह की। अरे दरोगा बाबू आया तो तू क्यों डर गया है? कोहे के मतलब हम डर लिए, पूरे गांव वाला डर गेल खिंडा। सब गांव वाला भाग गए, गांव छोड़ कर मैं गांव में रहती हूं। अरे गांव वाले ने भाग गया, हम तो बाहर से आए तो हम क्यों भाग जाएगा? कहीं हमारा गांव से बाहर बेलगा देती ना तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तनी तनी बोलिए बोलो दरबार हुजूर, ए बतलाओ ये राज का क्या खबर है? हमरा तो ठीक बुझाइए। क्या ठीक है? एकदम फर्स्ट क्लास। एक बात सुन लो, एक मेरा ठीक नहीं बुझा रहा है कि ठीक ना है से बता। आज सुन लो, सब दिन मेला राज दिल्ली में लगाया, लेकिन आज से मेला मेरे दिल में तमन्ना है। दिल्ली का उतार मेरा आज से घाट मिठुन लगाया है, मिठुन में लगा हुआ। हाँ, जो दिल्ली में मेला लगा रहे थे और दिल्ली का उतार मेरा आज से घाट मिठुन में लगाने का दिल हो गया है। तुम्हारा क्या काम है सुनो? बोल ना की करे के होता है। अब सुनो
ठीक है हुजूर, तुम्हारा खबर करना है 51 किला में, लेकिन 51 किला चलते चलते हुजूर हम तो बूढ़ा हो जाएंगे। ए बात ठीक कहा। एक काम करो, यदि कोई ढोल बजाने वाला मिल जाए तो जाके बोला के ले आओ और ढोल पिटवा दो। मुसहर के गांव में कहीं चमार भेटता। अरे बेहुदा, सभी गांव में सभी आदमी को बास होता है, ये नहीं जरूरत है जे हाँ हर जाति का नगर है। भगत जी तोरा गांव में चला रहा हाँ, थोड़ा साज वाला बढ़वा दीजिए, साज बढ़वा रही है। यदि कोई ढोल बजाने वाले मिल जाए तो ढोल बजाने वाले के पहले बुला के ले आओ और डिगडिगिया लगा दो 51 किला में। और 51 किला को जितने राजा लोग हैं सभी मेला के अंदर में आएगा, शोभा सुंदर बढ़ेगा। ठीक है हुजूर, मैं जा रहा हूँ। कोई चमार भाई है? चमार कहने वाले बताओ, अपने आप को कौन जानते हो रे? सहनी है, चमार कहने के लिए लू रहा है तुमको। रविदास, रविदास हाँ, इसलिए जुटा दिया छोड़ कर चलते। देख लो अभी तक बर्दाश्त कर रहा हूँ। रविदास कहो, ओ चमार को जो सोच रहा था तुम ये चमार है, ओ चमार नहीं है, ओ रविदास है। बैलर खलना है, छोड़ दे लो। एक काम करो, ए बताओ तुमको तो चार गो भैंसी था, अब मरा दो गो तो कैसे ठेला पर भेजा है? नो ट्रैक्टर, ओ समझ लो जो उठाने आता है। नो डीसीपी से हटा खुला खुला क्या हुआ रे? हेलो हेलो हेलो, ये बताओ क्या जरूरी है? हमको एक ढोल चाहिए, नहीं तो ढोल बजाने वाला चाहिए। अच्छा, यानी ढोल चाहिए नहीं तो ढोल बजाने वाला चाहिए। तो ठीक है, हमारे पास तो टाइम नहीं है, लगन जा दे टाइम नहीं है, हम बुढ़ा गए, हम सक्सेस भी नहीं है, ढोल दे सकते हैं लेकिन बजाने के लिए हम जा नहीं सकते। ढोल दे देंगे लेकिन ढोल फूटेगा, कुछ भी होगा उसका रिस्क तुमको लेना होगा। हाँ, 12 रुपया के नौकरी करा चला, 3000 के ढोल बना कर हम कहाँ से देंगे? तो तू नहीं देगा तो वो तो हम नहीं देंगे। तो चाहे ना हम नहीं देंगे, तो मालिक से बात कर। क्या हुआ रे? डलिया ना ढोल लाने। हाँ, ढोल वाला कला कहीं ढोल देंगे। हाँ, लेकिन फूटेगा उसको रिस्क तुमको ले। अरे
किसी का सामान लाते हैं लोग, जब तक रिक्स कवर नहीं करता है तब तक सामान वाला कोई देगा? मालिक देता है पंचर का पैसा, ठीक है, लेकिन लाने या चलाने का रिक्स तो उसको रहता है। न्यू हलचल साउंड में लागल है, ओकर यूनिट कर दे तो अपलेटर के जो सही मालिक दे लगा। बनाना तो अपलेटर के काम होता है। हजार ढोल वाले को ले आकर गया। क्या ले आया ढोल? ये बजेगा कौन? अरे बेहुदा, ए बतलाओ, जब राजा लोग होते हुए यदि ढोल बजेगा तो अच्छा होगा? देशलाल भाई को बुला लो। आज ओ बात मैं नहीं कहूंगा। हाँ, दुनिया से पकड़ ले। अरे दुनिया को हाथ से सब जाता है, किसी का चार को हाथ नहीं होता है। देशलाल भाई को बुला लो, तरकारी बनवाई तो रख। अरे उसको बजाओ, और बोलना होगा। ऐसे फूटेगा बतलाओ तो। अरे पकड़ो उसको सही से। अरे एक हाथ से पकड़ो, एक हाथ से न हो जाओ। कैसे न होता है? रखो बतलाते हैं। दरबार देखो कई हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना बड़ा गलती कर हो, जब तू चमार रहबे करो, चमार के साथ करना तोरा जरूरी रह। ओकरो से हम बात गाई सुन गली, मुंह न काना दीपुआ ना देखत, छोट जात से गाली बात सुना दल थी। अरे हे यो, हे यो, अरे इधर रख देते हैं, आओ रख दिया यार। एक कुत्ते के बच्चा, कुत्ते की औलाद, ए बतलाओ तू कहां मैं बजाने का हाल नहीं जानते हैं? हम कुत्ता के बच्चा तो क्या है, हम बाबू का पेट से, बाप का पेट से कोई नहीं आता है, तू कथी के पेट से, माँ का पेट से आता है बेहुदा। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ यहाँ, डर लगाइयो। अरे डर का कोई जरूरत नहीं है, हम बढ़िया दिनों जब अरे बेहुदा तू कहा बजाने का हाल बतलाओ, यदि बजाने वाले साज इस दुनिया में कोई है, हम बजा ले। कोई चमार नहीं होता है, साज बजाने वाला सब उस्ताद होता है, हर जात बजाता है, चमार दुसाद ग्वार मला जितने जाति है, जिसको हाथ में हुनर होता है उस सभी बजाता है, उसको नाम क्या है जानते हैं? उस्ताद। उठाओ ढोल, उठाओ उठाओ, बजाएगा सब, हमको सामने बजाना होगा। अरे कस का बजाओ, जितने तुम्हारा माँ दूध पिलाया है सब जोर लगा के बजाओ। पहले सुनो, मैं जितना बोलेगा उतने बात बोलना होगा, नहीं तनी कम होगा, कम नहीं बोलना है, ज्यादा ज्यादा बोलना है, जितना बोलेगा उतना बोलना है। अच्छा ठीक, बोलो बोलो। राज कॉलेज में, राज कॉलेज में
लाखन सिंह, लाखन सिंह मेला लगवा रहे हैं, मेला लगवा रहे हैं इक्यावन किला को, इक्यावन किला को जितने राजा लोग हो, जितने राजा लोग हो, जितने रानी हो, जितने रानी हो मेला में आकर के शोभा सुंदर बढ़ावे, मेला में आकर शोभा सुंदर ढुकावे। अरे का शोभा सुंदर बढ़ाने के लिए तू बता सुंदर घुसा तोरा घर में दे गहूम के बोरा रखल ह ओमे मूसा न कट ले ह। अरे मूसा के बात है नहीं है, हम कहते मेला में आकर के शोभा सुंदर बढ़ावे, मेला में आके शोभा सुंदर बढ़ावे। और इतने बोलो और बजाओ, इतने बोलो और बजाओ, और बजाओ और बोलो, बजाओ और बोलो, अरे बोलो और बजाओ, बोलो और बजाओ, अरे बजाओ, बजाओ, अरे बजाओ, बजाओ, अरे बजाओ, बजाओ। बुढ़वा के राजा, बुढ़वा के मंत्र, दोनों बुढ़वा के हैं। फरियाएगा कैसे, फरियाएगा कैसे ये बतला। महाराज जितने बात बोला उतने बात बोलना और बजाना ठीक है, लेकिन बोलने से पहले हम आपको क्या बोले थे, कम या ज्यादा? आप ये नहीं कहे जो हम बोल के बंद कर देंगे तो तुम ये मेला को प्रचार कर दो। ठीक है, आप बंद हो गया अब प्रचार करो और बजाओ। हाँ तो ध्यान देंगे, राज कॉलोनी में लाखन सिंह मेला लगा रहा है, लाखों लाख की संख्या में आके और मेला में शोभा सुंदर बढ़ा रहे। हेलो दरबार, क्या सब तरीके लगाया आया नहीं, एक नगर में तू नहीं गया है। दौड़पाल, एक नगर में तू नहीं गया है। आर छोटी नगरिया में मिला नगर बोहवा है। अच्छा Oh,
भवा में जाके खबर जना दो, नगर भवा का भीड़ जब तक मेला में नहीं आएगा तब तक मेला का शोभा सुंदर नहीं बढ़ेगा। ठीक है महाराज, ठीक है जाओ लगाओ लगाओ रिकॉर्डिंग दो चार बाबा जी की चरणों में सादर दंड पड़ना खुशी मन से आशीष दीजिए बाबा मेट जगाया एक बात मैं पूछना चाहते हैं कहो जब पिपतिया हो बाबा पड़ल तोहरा के की बात एराज सिरसा में आने का जरूरत क्या हुआ है बाबा? फिर भी बाबा छिकते हैं क्यों? क्या जरूरत है वो मुझे कहो। लाखन हाँ बाबा तूने मेला लगाना लगा रहे हो? हाँ जो मेला दिल्ली में लगा रहे थे और दिल्ली के उतार मेला में राज कनौज में लगा रहे दिल्ली का उतार मेला और कहाँ कहाँ खबर दिया है? मैं इक्यावन किला में खबर दिया है। अच्छा महवा भी खबर दिया है? महवा में खबर दिए हैं क्यों कि सब वीर जितने हैं वो राज महवा में है इसलिए खबर दिए है बाबा। और महवा में खबर दिया है रुदन सिंह और फुलवा रानी जन्म जन्म के बाजिन है। क्या अगर मुझे क्या जरूरत है? अगर रुदन सिंह मेले के अंदर आ गया तो जितने यात्री मेला में देखने आएगी आएगा वो सब बाजबाजी हो जाएगा। बाज और बाजिन हो जाएगा तो मेला बेकार हो जाएगा। हाँ मेला बेकार हो जाएगा। फिर भी उपाय बहुत आसान है।
मैं खबर तो दे चुका है, लेकिन रोकने के लिए उपाय कोई है? है, मेरे पास सब तजुर्बा है। क्या तजुर्बा है बाबा? मेला को जो मेन गेट है उस गेट पर एक चिट्ठी लिखकर और टांग दो। क्या मेला के गेट पर मैं चिट्ठी टांग दूं? हाँ, और मेला के गेट पर आएगा और वो चिट्ठी पढ़ के लौट जाएगा द्वारपाल। क्या कहा मामा? वही कर रहा है। मेले की गेट पर बोर्ड लगा दो और बोर्ड में लिख दो, ए मेले में सब लोग आएगा लेकिन मोहब्बे वाला रुदल सिंह नहीं आएगा। क्योंकि मोहब्बे वाला रुदल सिंह आएगा मेले में तो मेला की जात लोग जितने आएगा सब बात बात हो जाएगा। और मैं चिट्ठी पर सिग्नेचर अपना हाथ से कर दूंगा। क्या कर देगा? सिग्नेचर। ठीक है, कर दो बाबा और बोर्ड लगवा दो।